चाय के साथ कॉम्बिनेशन की बात होती है तो पकोड़ा उसमें बेस्ट होता है। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ दाल के पकोड़े, इसको आप वड़ा भी बोल सकते हैं, दाल वड़ा हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पकोड़े बनाना। इसको मैं मूंग दाल से और चना दाल से मिक्स करके बनाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको एक अमेजिंग सी रेसिपी बनाना। चलिए आप अपने इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लें। ये देखिए मैंने 1 कप मूंग दाल भिगाई है और 3/4 कप चना दाल भिगाई है। मूंग दाल हम इसमें डाल लेते हैं, ग्रीन चिलीज, ये ब्लैक पेपर, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ और कोरिएंडर सीड्स, ये मैंने डाल दिया है। अभी इसको हम पीस लेंगे दरदरा सा, बहुत बारीक अभी नहीं करना है हमें इनको। और अब हम ये चना दाल डाल के पीसेंगे, क्योंकि चना दाल हमें बहुत कम पीसनी है ताकि कुछ पीसेस साबुत रहें और कुछ पीस जाएं। और हल्का सा आप चर्न करके ले आएं, देखिए इस तरह से। बस ये कुछ पीसेस देखिए अलग से दिख रहे हैं, इसका अलग ही टेस्ट आता है जब ये मुंह में आता है खाते टाइम। तो आप इस तरह से ही इसको पीसें। इस मिक्स को निकाल लिया है मैंने एक बॉल में। अब इसमें मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड अनियन, मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, मिक्स कर लें इसको। आप अपनी पसंद के और भी मसाले इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें जो फेनल, कोरिएंडर और गार्लिक चिली डाला उसका अलग ही फ्लेवर होता है। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाला है बेसन। अब इसको मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब मैं एक कढ़ाई में तेल रख देती हूँ गर्म होने के लिए। ये देखिए तेल मैंने रख दिया इधर। अब इसमें कोरिएंडर लीव्स में डालूंगी और हल्का सा आप पकौड़े बनाने से पहले इसको बीट कर लें हाथ से ही। अब हम डालते हैं पकौड़े, चेक कर लेते हैं। अगर डालते ही पकौड़ा ऊपर आ रहा है इसमें, इसका मतलब है कि देखिए आपका तेल सही गर्म है। अब हम इसमें सारे पकौड़े ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। और मैं आपको एक टिप दूंगी यहाँ पे, जब भी आप एकदम से कुछ फ्राई करने के लिए डालें उसको लेडल से टच ना करें, फिर वो आपके लेडल पे गीला लग जाता है। तो थोड़ा सा टाइम दें उसको, ये देखिए इस तरह से। फिर वो लेडल पे चिपक के बेसन या कोई भी आपका बैटर है वो ठीक नहीं रहता है, तो आप एक बार उसको पकने दें फिर टच करना स्टार्ट करें। बस इसी तरह से आप फ्राई कर लें, फिर इनको ठंडा करके थोड़ा सा हम रीफ्राई करेंगे या सर्विंग के टाइम आप फ्राई कर सकते हैं। अभी हम इनको फर्स्ट फ्राई इनका कर लेते हैं और जैसे ही ठंडा होगा हम इनको रीफ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जब थोड़ा सा पक जाए तब आप उसको छलनी या लेडल जो यूज़ कर रहे हैं उससे टच करें। ये हमने निकाल लिए हैं। अब इनको देखिए हल्का सा प्रेस कर लें और ठंडा होने पे ही फ्राई करेंगे तो ये अच्छे क्रिस्पी होंगे, गर्म ही दोबारा ना डालें। ये देखिए अब एकदम से निकाल लेते हैं, बिल्कुल नाइस गोल्डन एंड क्रिस्पी हमारे पकौड़े या वड़ा आप इसको कह सकते हो रेडी हैं। आप इनको सर्व करें चटनी के साथ, चाय के साथ, जैसे भी आपको पसंद है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, हैव अ नाइस डे।